हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। मेरा नाम है मंदीप और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अपने मैकबुक की थी अनबॉक्सिंग। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि मैं जो है आगे इससे रिलेटेड वीडियोज़ जो है लाता रहूँगा। तो आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जो भी लोग मैकबुक ऑन करते हैं, मैकबुक लेने का सोच रहे हैं, तो उनको जो है काफ़ी पसंद आएगी आज की वीडियो। बिकॉज आज की वीडियो में जो है मैं आपको दिखाऊंगा कुछ 10 ऐसी यूज़फुल एक्सेसरीज़ जो मैं पर्सनली अपने मैकबुक के साथ करता हूँ यूज़। और इनमें से बहुत सारी एक्सेसरीज़ ऐसी है जो मैं काफ़ी पहले कर चुका था परचेज, बट कुछ स्पेसिफिक ऐसी है जो मैंने मैकबुक लेने के बाद किए परचेज। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एक्सेसरीज़ जो आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो है काफ़ी इंप्रूव करेगी और आपके मैकबुक की सेफ्टी के लिए जो है वो भी काफ़ी आएंगी काम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ डेफिनेटली इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आप पहले से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको एक एक करके सभी एक्सेसरीज दिखाऊंगा और मैंने किस प्राइस पे इनको किया है परचेज उसकी डिटेल जो है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ इनके सबके लिंक्स जो है वो भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहली एक्सेसरी के साथ। तो सबसे पहले एक्सेसरी जो मैं इस वाली लिस्ट में आपको दिखाऊंगा वो मैं बिलीव करता हूं कि जो भी लोग मैकबुक परचेज करते हैं, चाहे वो कोई सा भी मैकबुक हो एयर प्रो, सबसे पहली जो इन्वेस्टमेंट उनको अपनी मैकबुक के लिए करनी चाहिए वो है उसकी सेफ्टी। और उसके लिए जो है मैं रिकमेंड करता हूं सबसे पहली परचेज जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक बैग की। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो है ये बैग, और ये जो है मोका का बैग है। मैंने इसको परचेज किया अमेज़ॉन से। तो जैसे कि मैंने बताया ये है मोका का वो बैग जिसको मैंने किया है परचेज़, और काफ़ी अच्छा बैग है। इसमें जो है आपको काफ़ी जो है सॉफ्ट जो है अंदर मिलती है लेयर। तो जैसे कि आप देखते हैं ये एकदम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल और काफ़ी मोटी जो है इसमें कुशनिंग है फ्रंट एंड बैक दोनों में। तो अगर आप आगे कोई एक्सेसरी रखते हैं तो उससे भी जो है कोई डैमेज आपके डिवाइस को नहीं होगा। और साइड ओपनिंग है तो काफ़ी ईजी हो जाता है लैपटॉप को बाहर निकालना और अंदर रखना। और तो और इसमें जो है आपको मिलता है लेदर का स्ट्रैप। तो ये जो है इसमें स्प्रिंग है, जब आप इसको होल्ड करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और जब छोड़ेंगे तो नॉर्मल जो है अपनी पोजीशन में चला जाएगा। बाकी आगे जो है इसमें आपको मिलते हैं दो कंपार्टमेंट्स। तो इसमें जो है जैसे कि मैंने अभी अपना जो है मैकबुक का अडैप्टर रखा हुआ है और यहाँ पर जो है आप अपनी चार्जिंग केबल रख सकते हैं। और इस वाले कंपार्टमेंट में भी जो है आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ये नॉर्मली हो गया पेन के लिए, और इसमें भी अगर आप चाहें तो अपना कोई भी जो है कनेक्टर यूएसबी पेन ड्राइव कुछ भी रख सकते हैं। और साथ ही साथ आगे भी है पॉकेट। तो जैसे कि मैंने बताया कुशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आपके मैकबुक को जो है कोई भी स्क्रैच जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। और उसी के साथ साथ जो है क्वालिटी जो है मटेरियल की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इसको जो है मैंने परचेज़ किया है 1299 रुपीज़ में अमेज़ॉन से, और इसका लिंक जो है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा स्लीक है। नॉर्मली अगर आप इसमें मैकबुक रखते हो तो एकदम परफेक्टली आता है। मैं एक बार आपको इसमें रख के भी दिखा देता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है साइड ओपनिंग वाला डिज़ाइन, और इसमें ईजिली जो है मैकबुक स्लाइड इन हो जाता है, उसके बावजूद भी जो है काफ़ी स्पेस बचती है। और जो इसकी ये चेन है इससे भी जो है कोई इसमें इशू नहीं आएगा, बिकॉज आप देख सकते हैं इधर कितनी मोटी जो है ये कुशनिंग की लेयर दी हुई है। तो ज़िपर से भी जो है इसको कोई नहीं होगी प्रॉब्लम, और आप इजीली जो है इसको कैरी कर सकते हैं अपने साथ कहीं पर भी। अब दूसरी जो एक्सेसरी है वो भी मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और उसको जो है मैंने अपने मैकबुक को परचेज़ करने के बाद ही किया है परचेज़। तो वो है एक लैपटॉप का स्टैंड एडजस्ट। तो ये है स्ट्रिफ का लैपटॉप स्टैंड जो मैंने किया है परचेज़, और इसकी मदद से जो है आप अपने लैपटॉप को जो है 6 डिफरेंट एंगल्स के अकॉर्डिंग जो हाइट पे रख सकते हैं। तो नॉर्मली जब भी हम लैपटॉप पे वर्क करते हैं तो अगर हम टेबल पे बैठे हैं तो लैपटॉप जो होता है जनरली यहाँ तक उसकी आती है स्क्रीन, तो उससे जो है कंटिन्यूस अगर आप काफ़ी देर तक काम करें तो आपको गर्दन में भी जो है दर्द होना हो जाएगा स्टार्ट, और फटीगनेस होती है फील। तो उस केस में मेरे हिसाब से लैपटॉप स्टैंड जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बिकॉज इस पे जो है अपने लैपटॉप को डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की अकॉर्डिंग जो है हाइट पे आप कर सकते हैं इसको एडजस्ट, और उससे जो है लैपटॉप जो है आपके आई लेवल पे आएगा तो आपको जो है काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसको जो है आप ये एक्सपेंडेबल डिज़ाइन के साथ आता है, टोटल जो है आपको इसमें 6 हाइट एडजस्टमेंट्स मिलती हैं। तो उनको जो है अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप कर सकते हैं सेट जिस भी हाइट में आपको चाहिए। तो मैं नॉर्मली आपको रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे इसको किया सेट, तो ये मैंने नंबर 4 पे इसको कर दिया सेट। और अब जो है हमें इसमें जो है एक चीज़ और मैं पहले दिखा दूँ, नीचे जो है आपको इसमें रबड़ पैड्स मिलते हैं जिससे कि जो है आपको ग्रिपिंग जो है काफ़ी अच्छी मिलेगी, और टॉप में भी जो है आपको इसमें दोनों तरफ जो है मिलते हैं रबड़ के पैड्स। तो इससे जो है आपके मैकबुक पे जो है कभी स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। तो मैं एक बार इसमें मैकबुक को कनेक्ट करके भी आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब जो है मैंने इसमें मैकबुक को कर दिया है एडजस्ट,
और इसकी मदद से जो है मैं काफ़ी इजीली जो है अपने मैकबुक को कर सकता हूँ यूज़। बिल्कुल भी जो है मेरे को जो है कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा मेरी आंखों के ऊपर, तो काफ़ी अच्छे एंगल पे जो है ये आपके लैपटॉप को कर देता है एडजस्ट। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि डिफरेंट डिफरेंट हाइट एंगल्स जो है आपको इसमें मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने लैपटॉप को अपनी हाइट के हिसाब से कर सकते हैं एडजस्ट। तो ये मुझे मिला था 349 रुपीज़ का, तो इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब सेकंड प्रोडक्ट जैसे कि हो गया लैपटॉप स्टैंड, तो उसके बाद जो मेरे हिसाब से पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल जो है एक्सेसरी आपके काम की हो सकती है वो है एक कीबोर्ड। तो उसके लिए जो है मैंने परचेज़ किया है ये लॉजीटेक का K380 वायरलेस कीबोर्ड, और ये iOS कंपेटिबल है, तो ये काफ़ी बेनिफिट है इस वाले कीबोर्ड का। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप एक साथ 3 डिवाइस से कर सकते हैं कनेक्ट। तो जनरली अगर आपने अपने लैपटॉप को जो है स्टैंड पे किया हुआ है एडजस्ट, तो उसके बाद जो है हो सकता है कुछ कुछ लोगों को थोड़ा सा ऑड फील हो थोड़ा ऊपर टाइप करना, तो उसके लिए जो है आप इस वाले कीबोर्ड को कर सकते हैं परचेज। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कमांड, और आपको विंडोज़ और मैक दोनों की जो मिलती है इसमें फंक्शनैलिटी, एक साथ 3 डिवाइसेस को कर सकते हैं कनेक्ट। तो साइमल्टेनियसली आप तीनों डिवाइसेस पर कर सकते हैं वर्क, आईफोन मैकबुक आईपैड या कोई भी अगर डिफरेंट ऑपरेटिंग डिवाइस भी है आप उससे भी कर सकते हैं कनेक्ट। बस आपको बटन प्रेस करना है, जिस डिवाइस को नंबर 1 से पेयर किया होगा वो 1 प्रेस करते ही उस वाली डिवाइस के साथ हो जाएगा कनेक्ट। और अगर आपको चेंज करना है स्विच करना है नंबर 2 या 3 पे, तो उनको बस एक बार प्रेस कीजिए और ये उनसे भी हो जाता है कनेक्ट। तो क्वालिटी जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। ये मेरे को मैंने ऑफलाइन मार्केट से किया था परचेज, मुझे ये पड़ा था 2700 रुपये का। और बेसिकली मैंने इसको जब लिया था जब मेरे HP के लैपटॉप के कीबोर्ड में कुछ इशू आ गया था, बट बाद में मैंने उसको कंपनी से करा लिया था रिप्लेस। बट स्टिल मेरे को काफ़ी यूजफुल लगती है एक्सेसरी। और ऑनलाइन जो अमेजोन में ये आपको मोस्टली 2700 से 3000 के आसपास मिल जाता है। और इसका जो डिज़ाइन है वो भी एकदम वेज शेप्ड है, तो टाइपिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। टाइप करते वक्त आपको जो है कोई भी इशू इसमें नहीं होगा फेस। इसमें जो है मैक की जो है सारी कीज़ आपको मिलती हैं, तो बहुत ही आसानी से जो है आप मैक की सारी कमांड्स को कर सकते हैं यूज़। जैसे कि अगर मैं कमांड एंड स्पेस प्रेस करूँ तो ये आ गया स्पॉटलाइट सर्च, और अगर इसको बंद करना है तो एस्केप, और अगर इन सभी विंडोज़ को आपको बंद करना है तो उसके लिए भी जो है आप कमांड एंड क्यू प्रेस करके सभी विंडोज़ को भी कर सकते हैं बंद। तो बहुत ही अच्छे से जो है डिवाइस कर रहा है वर्क। अब फोर्थ जो एक्सेसरी मैंने अपने लिए किए परचेज, वो भी मैं पर्सनली मानता हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कि सभी लोगों को पता है कि मैकबुक प्रो 14 इंच जो है उसमें जो आपको मोस्टली सारे पोर्ट्स मिलते हैं, बट USB-A का पोर्ट जो है वो आपको उसमें नहीं मिलता है। तो उसके लिए जो है मैंने परचेज़ किया है टाइजम का USB-C to USB-3 OTG कनेक्टर। तो इसकी मदद से जो है नॉर्मली अपनी पेन ड्राइव्स को हम इससे कर सकते हैं कनेक्ट। इनफैक्ट पेन ड्राइव हो गई, अगर किसी के पास हार्ड डिस्क है तो, या एक्सटर्नल कीबोर्ड्स हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप इसकी मदद से उससे कर सकते हैं कनेक्ट। बिकॉज पेन ड्राइव जो है वो एक ऐसी एक्सेसरी है जो मेरे हिसाब से आप में से सभी लोगों के पास होगी, और मोस्टली जो है मैक्सिमम लोगों के पास जो है USB-A वाली ही जो होती है पेन ड्राइव। तो उसके लिए जो है मैंने इसको किया था परचेज, बिकॉज मेरे पास भी जो है पेन ड्राइव्स हैं काफ़ी जिनको मैं करता हूँ यूज़, तो उसके लिए जो है ये काफ़ी बेनिफिट होगा। और ये जो है मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा है, ये मैंने सिर्फ 119 रुपये का किया था परचेज क्रेड से। तो मेरे हिसाब से ये भी एक एक्सेसरी है जो आप लोगों को डेफिनेटली करनी चाहिए परचेज अपने मैकबुक प्रो के लिए। अब पांचवी एक्सेसरी जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है एक माउस, और ये जो है कोई ब्लूटूथ वाला माउस नहीं है, नॉर्मल माउस है USB कनेक्टर वाला। तो जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया कि मैंने टाइप सी टू USB 3.0 OTG कनेक्टर लिया हुआ है, तो इसकी मदद से जो है मैं इस वाले माउस को अपने मैकबुक के साथ कर सकता हूँ यूज़। तो मुझे कोई नीड नहीं है ब्लूटूथ वाले माउस परचेज करने की। जैसे कि लॉजीटेक का पेबल आता है, बहुत ही अच्छा माउस है, बट वो नॉर्मली 1700-1800 के आसपास आता है। तो ये जो USB रिसीवर वाले माउस है ये आराम से आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300-400 रुपये में मिल जाते हैं, और परफॉर्मेंस जो है ठीक ठाक ही आपको दे देंगे, तो ऐसा कोई इशू मेरे को तो पर्सनली नहीं हुआ है फेस। तो OTG कनेक्टर की मदद से मैं इस वाले माउस को भी कर सकता हूँ यूज़। तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस जो है मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक OTG कनेक्टर लेते हैं तो साथ में कोई नीड नहीं है ब्लूटूथ वाला माउस लेने की, आप नॉर्मल USB रिसीवर वाला माउस भी ले सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सीमलेसली जो है वो कर रहा है वर्क। डेफिनेटली जो है मैकबुक के ट्रैक पैड जितना स्मूथ तो नहीं वर्क करेगा, बट बहुत ही अच्छा जो है काम कर रहा है। तो नॉर्मली जो है आप अगर चाहते हैं आप एक माउस को कनेक्ट करना, तो उसको भी जो है आप कनेक्ट करके अपने डिवाइस के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब सिक्स्थ जो एक्सेसरी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो है एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। जनरली मुझे पता है मैक्सिमम लोग जो हैं जिन्होंने भी एक्सेसरी की वीडियोस बनाई हो सब जो हैं उसमें SSD को करते हैं रिकमेंड, बट SSD एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा महंगी आती हैं अगर हम उनको कंपेयर करें हार्ड डिस्क के मुकाबले। तो ये जो है मेरी 2 TB की जो है वेस्टर्न डिजिटल की है हार्ड डिस्क, और इसको जो है मैंने 6200 में किया था परचेज, और उसमें मुझे 10% कैशबैक मिल गया था, मुझे 5600 रुपये के आसपास पड़ी थी। अमेजोन से मैंने इसको किया था परचेज। तो जनरली जो है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने मैकबुक के साथ। इसके साथ भी जो है आपको नॉर्मल USB-A वाला मिलता है कनेक्टर, तो उसको भी जो है आप अपने OTG कनेक्टर से कनेक्ट करके मैकबुक के साथ कर सकते हैं यूज़, और परफॉर्मेंस जो आपको ठीक ठाक मिलेगी। ऑब्वियसली SSD के जितनी स्पीड्स तो नहीं मिलेंगी, बट अगर आपको नॉर्मल सिर्फ अपनी मैकबुक में कोई डेटा स्टोर करना है और उस डेटा का बैकअप चाहिए एक हार्ड डिस्क में,
तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी परचेज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एसएसडी। अब सातवीं जो एक्सेसरी है वो है हेडफोन्स। तो ये है मेरे पास एप्पल के वायर्ड हेडफोन्स, ये आईफोन 6s के टाइम से जो है मैं कर रहा हूँ इनको यूज़, और आज तक जो एकदम परफेक्ट कर रहे हैं वर्क। तो अगर आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है आप इनको परचेस करें, बिकॉज ये नॉर्मली जो है 1500-1600 के आसपास आते हैं। तो इनकी जगह पे अगर आप कोई ऑल्टरनेट बोर्ड की तरफ जाते हैं तो 400-500 रुपये में आपको इनसे लाख गुना बेटर क्वालिटी वाले जो है हेडफोन्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलेगी परफॉर्मेंस। बट ये भी एक ऑप्शन है, अगर किसी के पास ओल्ड हेडफोन्स है तो आप इनको कर सकते हैं यूज़, अदरवाइज जो है आप नॉर्मली कोई भी हेडफोन्स कर सकते हैं परचेज। वायर्ड में जो भी बेस्ट हेडफोन्स होंगे उनका लिंक जो है मैं डेफिनेटली कर दूंगा शेयर, बट ये भी एक एक्सेसरी है जो आप अपने मैकबुक के साथ कर सकते हैं यूज़। तो वायर्ड हेडफोन जो है मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मैं इनको ही करता हूँ यूज़। और अगर आप ब्लूटूथ वाले हेडफोन नहीं यूज़ करना चाहते बिकॉज बैटरी बैकअप जो है वो थोड़ा कम मिलता है, और अगर आप उसको मैकबुक से कनेक्ट करते हैं तो वो ऑब्वियसली मैकबुक की बैटरी को भी थोड़ा करते हैं अफेक्ट, तो उस वो भी वहाँ पर बैटरी जो है आप डेफिनेटली लूज़ करेंगे बिकॉज ब्लूटूथ कनेक्शन जो है कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं वायर्ड वाले हेडफोन्स यूज़ करना तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और ऑल्टरनेट जो है जैसे कि मैंने बताया बोट का या कोई भी आप ले सकते हैं, तो वो भी जो है आपको काफ़ी अच्छा देंगे एक्सपीरियंस। तो मैं पर्सनली जो है ये वाले हेडफोन्स करता हूँ वायर्ड में यूज़। अब अगली जो एक्सेसरी है वो भी म्यूजिक से रिलेटेड है, वो भी है हेडफोन्स। तो अगर किसी को वायर्ड नहीं चाहिए वायरलेस करने हैं यूज़, तो उनके लिए जो है ये है मेरी अगली एक्सेसरी। अब आठवीं जो एक्सेसरी जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और जो भी लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं उनको पता है, वो है एयरपॉड्स। तो इनको जो है मैं ऑलमोस्ट 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो एयरपॉड्स जो है काफ़ी अच्छी एक्सेसरी है, अगर आप आईफोन भी यूज़ करते हैं तो आपको पता है कितना सीमलेस कनेक्टिविटी जो है आपको एयरपॉड्स की मिलती है अपने आईफोन्स के साथ। तो उसी तरीके से अगर आप एयरपॉड्स को जो है अपने मैकबुक के साथ भी करेंगे यूज़, तो वो जो है उसके सारे फंक्शनैलिटी जो आपको मिलेंगी, जिसमें कि ऑटोमेटिक स्विचिंग और उसी के साथ ऑटो कनेक्ट। तो एयरपॉड्स जो है वो भी एक बहुत ही अच्छी एक्सेसरी हो सकती है मैकबुक के लिए। तो अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन्स चाहते हैं तो उसमें एक ऑप्शन जो है एयरपॉड्स का काफ़ी अच्छा है, उससे जो है आपको एक एप्पल का प्रॉपर इकोसिस्टम जो है वो भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, और कनेक्टिविटी की बात करें तो वो तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा सीमलेस आपको इसमें मिलेगी। तो एयरपॉड्स भी जो है एक एक्सेसरी है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने सभी एप्पल डिवाइसेस के साथ। अब जो 9th एक्सेसरी है वो भी है हेडफोन्स। तो अगर किसी को एयरपॉड्स नहीं परचेज करने हैं, जैसे ये पास नॉर्मली एयरपॉड सेकंड जनरेशन है, तो ये भी नॉर्मली 10-11 हज़ार के आते हैं, सेल में भी 9 हज़ार के आसपास मिलते हैं। तो अगर किसी को चाहिए कि हमें ये नहीं चाहिए बिकॉज इनमें बैटरी लाइफ भी जो है काफ़ी कम मिलती है, तो वो जो है नॉर्मल ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि मैंने जो है ये बोट के हेडफोन्स किए हुए परचेज, ये है बोट के रॉकर्स 550, और इसमें जो है अच्छा खासा जो है बैटरी बैकअप मिलता है 20 आवर्स का। और नॉर्मली जब भी मैंने इनको फुल चार्ज किया तो मेरे तो ये आराम से 2 हफ्ते तक चल जाते हैं, डिपेंड ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द यूसेज। तो नॉर्मली अगर आप इनको 1 से 2 घंटे यूज़ करते हैं मॉडरेट लेवल ऑफ वॉल्यूम पे, यानी कि 50% 50-60% पे, तो ये बहुत ही ईजिली जो है 2 हफ्ते तक भी आपके चल जाएंगे। और ऊपर से जो है ये ओवर द हेड वाला डिज़ाइन है, तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि इसमें जो है आपको साउंड आइसोलेशन जो है वो भी देखने को मिलेगी। जब आप इनको कनेक्ट करेंगे तो आउटसाइड की जो साउंड है काफ़ी हद तक हो जाती है कम, और ये जो है एलेक्सा और सीरी दोनों को करते हैं सपोर्ट। तो अगर आप नॉर्मली इनको पहन के कॉलिंग भी करते हैं तो काफ़ी अच्छी इसमें आती है आवाज़, और मैं जो है पर्सनली इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो अगर मेरे को कई बार होता है कि मेरे को बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए, कोई कंटेंट वॉच कर रहे हैं जो काफ़ी लंबा चल रहा है, तो एयरपॉड्स जो है मोस्टली कई बार 1.5-2 घंटे में हो जाते हैं डेड, बट ये जो है डेफिनेटली बहुत ही अच्छा जो है कि देते हैं परफॉर्मेंस, और साउंड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाउड इनमें आपको मिलेगी। तो ये भी एक एक्सेसरी है जो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं अपने मैकबुक के साथ। अब जो लास्ट एक्सेसरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, और वो जो है आपकी केबल्स के लिए जो है काफ़ी आएंगे काम। तो वो हैं स्टिफ के केबल प्रोटेक्टर्स, और ये जो है मैंने अपने सभी डिवाइसेस पे लगाए हुए हैं, जितने भी मेरी एप्पल वॉच के चार्जर, आईफोन के चार्जर और मैकबुक। तो ये बेसिकली मैंने मैकबुक परचेज करने के बाद ही किया था परचेज, तो वायर जो है आगे से काफ़ी जल्दी हो जाती है ख़राब। तो ये जो है केबल प्रोटेक्टर मेरे को काफ़ी सस्ते मिल गए थे, 79 रुपीज़ में मेरे को 8 पीसेस मिले थे क्रेड से। तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि ये भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एक्सेसरी है आपकी वायर्स की जो है सेफ्टी के लिए, बिकॉज नॉर्मली अगर ये वायर्स आगे से ख़राब हो जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आती हैं सारी वायर्स, आपकी केबल्स की जो है लाइफ को जो है इंश्योर करेंगे काफ़ी लंबे समय तक वो चलती रहें। अब इसी के साथ साथ एक बोनस एक्सेसरी जो मैं इस वाली वीडियो में अलग से आपको दिखाऊंगा, वो है एक आपका हार्ड डिस्क का केस। तो जनरली ये केस जो है टाइजम का मैंने किया था परचेज अपनी हार्ड डिस्क के साथ ही, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये केस। इसमें जो है आपको सेपरेट कंपार्टमेंट भी मिलते हैं अपनी एक्सेसरीज को रखने के, और इसी के साथ साथ ये एक इलास्टिक बैंड जिसमें कि आप अपनी हार्ड डिस्क को कर सकते हैं कनेक्ट। तो ये जो है मिलिट्री ग्रेड ड्रॉप टेस्टेड है। तो अगर आप हार्ड डिस्क रखते हैं अपने पास, या फिर अगर आप हार्ड डिस्क भी नहीं रखते हैं नॉर्मली, अगर आपको इसके अंदर अपनी नॉर्मल एक्सेसरीज रखनी है जैसे कि वायरलेस माउस हो गया, अपनी केबल्स होगी, तो वो भी जो है इसके अंदर काफ़ी रहेंगी प्रोटेक्टेड।
तो गाइज़ ये थी कुछ 10 ऐसी एक्सेसरीज जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने मैकबुक के साथ। तो आई होप ये एक्सेसरीज जो है आपको यूज़फुल लगेंगी, और इन सभी के जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, तो वहाँ से जो है आप जाके इनको कर सकते हैं परचेज। और आई एम श्योर कि ये एक्सेसरीज जो है आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो है डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा करेंगे इंप्रूव। तो आई होप गाइस के वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने नहीं किया सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल नोटिफिकेशन को, ताकि आगे आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं सबकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी गाइस आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में जो है पोस्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।